जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्र में तमाम लोक लुभावन वायदे इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान नजर आ रहे हैं, जहां सरकार कांग्रेस की बने या भाजपा की महिलाओं को तकरीबन 12 से 15 हजार मिलना लगभग तय है, तो वही सिलेंडर भी अब सस्ते दामों में मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक दल के नेता हर वर्ग को साधने की दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 5 साल से जिन चीजों को लेकर काम कर रही थी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ भाजपा जिन योजनाओं का विरोध करती आ रही थी घोषणा पत्र में उन्हीं बातों पर फोकस कर रही है। खास बात यह है कि इस बार दोनों तरफ की घोषणाएं महिलाओं की डायरेक्ट फायदे पहुंचाने वाली है। सरकार ऐसे में चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की, प्रदेश की तकरीबन 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 12 से 15 हजार रुपए सालाना मिलना लगभग तय है। साथ ही गैस सिलेंडर भी सस्ते दामों में मिलेंगे। भाजपा ने हर विवाहित महिला को साल में 12 हजार, जबकि कांग्रेस ने प्रत्येक साल तकरीबन 15 हजार रुपए देने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में तकरीबन 2,03,93,160 मतदाताओं में से 1,01,35,561 पुरुष, जबकि 1,02,56,846 महिला मतदाताएं हैं। 70 सीटों में से 23% संवेदनशील है, जहां प्रत्याशियों पर आपराधिक केसेस के कारण 16 सीटें संवेदनशील घोषित करी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया जाता है, या फिर उन सीटों को जहां फसाद या फिर हुड़दंग होने की आशंकाएं रहती है, लेकिन इस बार एक नया मापदंड है। दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होना है, इनमें से 16 विधानसभा सीटों को इसके लिए संवेदनशील घोषित किया गया है, क्योंकि हर सीट पर 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसकी घोषणा खुद उम्मीदवारों ने अपने शपथ पत्र में की है। चुनाव आयोग के निर्देश दिया गया है कि सभी उम्मीदवारों को पार्टियों को अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देनी है। ये मामले या तो चल रहे हैं या फिर दोष सिद्ध कर दिए जा चुके हैं। दूसरे चरण की 23% विधानसभा सीटों को इसी आधार पर संवेदनशील घोषित किया जा चुका है। सबसे ज्यादा कोरबा विधानसभा में आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यहाँ कुल 19 में से 6 प्रत्याशियों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले चलने की घोषणा की है। बिलासपुर में प्रचार प्रसार के दौरान बवाल हो गया, जहां कांग्रेसियों ने भाजपा पार्षद की पिटाई कर दी, फिर भाजपाइयों ने कांग्रेस समर्थित ठेकेदार को पीट दिया। दोनों पक्षों पर FIR भी दर्ज हो गई है। बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर विवाद छिड़ गया। कांग्रेसियों ने पहले भाजपा पार्षद के साथ मारपीट की, फिर भाजपाइयों ने कांग्रेस समर्थक ठेकेदार के साथ जमकर पिटाई कर दी। सरकंडा पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केसेस दर्ज कर लिया है। दरअसल बीती शाम को भाजपा पार्षद श्याम साहू वार्ड क्रमांक 65 में कार्यकर्ताओं के साथ वोटर पर्ची बांट रहे थे, तभी पिंकू उर्फ विनय पांडे भी कार्यकर्ताओं के साथ मोहल्ले में पहुंच गया। एक युवक अपना नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ने की बात कहते हुए पार्षद से गाली गलौज भी करने लगा। तब पिंकू पांडे ने उसे समझाकर शांत कराया। जब पिंकू ने अपनी स्कॉर्पियो से ऑफिस जाने के लिए निकला तो पार्षद श्याम साहू अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और गाली देते हुए उसके बाल पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद से ये पूरा बवाल उपज गया। 15 नवंबर यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा के दौरे पर है। ओपन थिएटर घंटाघर में सभा को संबोधित करेंगे। लखनलाल देवांगन के पक्ष में प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोरबा दौरे पर है, जहां वे ओपन थिएटर घंटाघर में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। इनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा सभा को सफल बनाने की तैयारी भी की जा रही है। भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने अमित शाह के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि वे तकरीबन दोपहर 2 बजे कोरबा हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वे सीधे ओपन थिएटर घंटाघर जाएंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह कोरबा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने वाले हैं। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे, जिसके बाद 2:40 से कोरबा से रवाना हो जाएंगे। जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं।
बलौदाबाजार में स्कॉर्पियो से तकरीबन 1,12,00,000 रुपए की जब्ती की गई है, जहां पूछताछ में कहा गया कि एटीएम में डालने के लिए ये कैसेस को ले जा रहा था, देर रात तक पैसे गिनते हुए कर्मचारी थक गए। दरअसल बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधानसभा में स्टैटिक सर्विलांस टीम यानी एसएसटी की टीम ने स्कॉर्पियो से 1,12,00,000 रुपए की जब्ती की है। जब्त किए गए रुपए को पलारी पुलिस को सौंप दिया गया है। देर रात तक थाने में पैसों की गिनती करते रहे। स्कॉर्पियो सवार ने बताया कि एसबीआई के एटीएम में पैसे डालने जा रहे थे, लेकिन कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। जानकारी के अनुसार रायपुर से बलौदाबाजार की ओर एक निजी स्कॉर्पियो को खरतोरा नाका के पास जो है स्टिकर लगा हुआ, यहाँ पर जो है इसमें सीएमएस का स्टिकर लगा हुआ था, जिसके अंदर पेटी से 1,12,00,000 रुपए कैश भरा हुआ मिला है। स्कॉर्पियो में बैठे प्रदीप कुमार, सौरभ सिंह डहरिया, गनमैन भागवत प्रसाद द्विवेदी और चालक पुरुषोत्तम धीडी से एसएसटी की टीम ने पैसों के संबंध में पूछताछ की। इन्होंने एसबीआई के एटीएम में पैसे डालने जाने की बात कही। कैश वाहन नहीं होने के कारण प्राइवेट वाहन में पैसा ले जा रहे थे, लेकिन पैसे के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, इसीलिए तहसीलदार देवेंद्र नेताम ने रुपयों की जब्ती करके कार्यवाही की है। राहुल गांधी बलौदाबाजार के दौरे पर है, जहां चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। तीनों विधानसभा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी बलौदाबाजार जिले के दौरे पर हैं, जहां कलेक्ट्रेट के पीछे स्टेडियम ग्राउंड में तीनों विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करेंगे। इनके पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 17 नवम्बर को होना है। आज के दिन चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के मुताबिक दोपहर 1 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राहुल गांधी जिले के बलौदाबाजार विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी, भाटापारा प्रत्याशी इंद्र साव और कसडोल प्रत्याशी संदीप साहू के पक्ष में प्रचार प्रसार कर वोट मांगेंगे। प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने लोगों से अपील करने वाले हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संशोधन कर ओबीसी बने। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है। जब वे मुख्यमंत्री बने तो संशोधन कर ओबीसी बने। भूपेश बघेल ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी आप छत्तीसगढ़ में आकर मुझे गाली दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। आपके मंत्री और नेता मुझे आकर बदनाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि पहले रमन सिंह जी ने मुझे छोटा आदमी कहा था, मैंने सुन लिया था। आपके मंत्री और नेता मुझे आकर बदनाम कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को अपशब्द ना कहना। छत्तीसगढ़ियों पर अगर बात आएगी तो मैं चुप ना बैठूंगा, तो छत्तीसगढ़ की जनता चुप बैठेगी, भरपूर जवाब मिलेगा। दरअसल न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक दिए गए इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने कहा कि मैं पीएम मोदी से कहना चाहूंगा कि वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं भी ओबीसी समुदाय से ही आता हूं। विश्व हिंदू परिषद नेता रमेश मोदी का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली, जहां बुधवार को आज के दिन रायपुर में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विश्व हिंदू परिषद के नेता रमेश मोदी का मुंबई में निधन हो गया। रायपुर में वीएचपी के पंडरी स्थित कार्यालय की स्थापना में उनका अहम भूमिका जो है अदायगी था। इसके अलावा बात करें तो बीते दिन के 82 साल की उम्र में इन्होंने मुंबई के अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रमेश मोदी जी का पार्थिव शरीर देह मुंबई से रवाना किया जाएगा, जहां आज के दिन उनका अंतिम संस्कार देवेंद्र नगर मुक्ति धाम में हो सकता है। बड़े कपड़ा कारोबारी रमेश मोदी लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के अस्पताल में जब भर्ती थे तब रमेश बैस ने उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा उनके निधन से राजनीतिक जगत में ही साथ व्यावसायिक जगत में भी शोक की लहर है। इन्होंने न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के रायपुर पंडरी स्थित कार्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, बल्कि वीएचपी को छत्तीसगढ़ में अहम मुकाम तक पहुंचाने में इनका बड़ा किरदार था। ऐसे में इन्होंने लंबे समय तक वीएचपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली थी। पटना जाने वाले यात्रियों के लिए अब बड़ी खबर है, जहां 3 ट्रेनों में 200 अलग से वेटिंग जो है अब बढ़ चुकी है। लेकिन निर्णय किया गया है कि छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, जहां 1700 से अधिक यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने वाली है। दिवाली के बाद छठ पूजा पर्व पटना जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। रायपुर से पटना जाने वाली इकलौती साउथ बिहार एक्सप्रेस में 200 से ज़्यादा वेटिंग चल रही है। बावजूद इसके लोग अभी भी इसमें रिजर्वेशन करवा रहे हैं, जिसकी
वजह से वेटिंग और बढ़ती जा रही है। त्योहार पर लोग घर जा सके इसके लिए 15 नवंबर से यानी आज से दुर्ग से पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेन चलाने से 1700 से ज्यादा यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलेगी। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन दुर्ग से पटना के बीच 15 नवंबर को रवाना होगी। रायपुर से बिलासपुर होते हुए छठ स्पेशल झारसगुड़ा होते हुए पटना पहुंचेगी, जहां पटना से यही ट्रेन 16 नवंबर को दुर्ग के लिए रवाना होगी। रेलवे अफसरों के अनुसार स्पेशल ट्रेन के लिए आरक्षण शुरू कर दिया गया है। इलाज का AI सिस्टम अब जल्द ही अपनाया जाएगा, जहां दो तरह के पोर्टल में पेज फंसे होने की वजह से 20 लाख मरीजों का डेटा मर्ज करने पर असमंजस की स्थिति है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर अब पहल की शुरुआत ही एक बड़ा पेज फंस चुका है, जिसके चलते प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा मरीजों के डेटा को लेकर असमंजस की स्थितियां बन गई है। दरअसल सरकारी अस्पतालों में AI सिस्टम को लॉन्च करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश भर में आभा हेल्थ ID बनवाई जा रही है। ये आभा ID ई अस्पताल सिस्टम से जुड़ी रहेगी, जिसके जरिए मरीजों के इलाज से जुड़ी सारी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी। यही नहीं, मरीज अगर किन्हीं कारणों से अस्पताल और डॉक्टर बदलता है तो भी इस ID के जरिए उसकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री केवल एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। कोरबा के मेरा रिसॉर्ट में आग लग गई, जहां दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। कोरबा जिले के DDM रोड पर मौजूद मेरा रिसॉर्ट में बीती रात आग लग गई। ये आग रिसॉर्ट में बनाई गई झोपड़ी में लगी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर तक ही इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मेरा रिसॉर्ट में झोपड़ियां बनी हुई है, जहां बीती रात एक रॉकेट सीधा झोपड़ी पर आ गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। इससे झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। नक्सलियों ने कहा कि पुलिस का दावा झूठा है, हमारे साथी सुरक्षित है। कहा, हमने 2 जवान शहीद और 5 को घायल किया। पदेरा मुठभेड़ को लेकर आदि जो यहां पर माओवादी हैं, इनकी प्रक्रिया जो है सामने आ रही है। दरअसल बीजापुर जिले में 7 नवंबर को पुलिस और नक्सली मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने 7 दिन बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। नक्सली कमांडर मोहन ने कहा है कि पुलिस ने मुठभेड़ में हमारे 2 साथियों को जो है कारने का दावा किया है, लेकिन जो सरासर गलत है। हमारे सभी साथी सुरक्षित है, जबकि नक्सलियों की गोली से 2 जवान शहीद और 5 जवानों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 7 नवंबर को पदेरा पोलिंग बूथ की सुरक्षा दे रहे जवानों के साथ हमारी मुठभेड़ हुई। हमारी तरफ से पुलिस पार्टी पर फायर किया जा रहा था, ग्रेनेड जागे जा रहे थे और इसी दौरान एक ग्रेनेड वहीं फटा, जिससे हमारे 1-2 साथियों को मामूली चोटें आई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जहां 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कोरबा में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। कोरबा के लक्ष्मण तालाब क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कोरबा शहर के लक्ष्मण तालाब वार्ड 11 में चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पास के कुछ युवकों ने विवाद किया और उनके साथ मारपीट की। हमले में अनीता कर्ष और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू किया गया है। FIR की कार्यवाही कर दी गई है। कांग्रेस विधायक UD मिंज के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। BJP की महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी का ये मामला है। जसपुर में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्रता कर मोबाइल छीनने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी UD मिंज समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा के धरना प्रदर्शन के बाद कुनकुरी पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक D रविशंकर के निर्देश पर यह अपराध दर्ज किया गया है। बीते दिन कुनकुरी विधानसभा के जोकारी ग्राम में महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरे जाने को लेकर BJP की महिला कार्यकर्ता मंजू भगत और कांग्रेस प्रत्याशी UD मिंज के साथ बहस हो गई थी, और इसी दौरान जैसे ही UD मिंज को बताया गया कि महिला मोबाइल से उनका वीडियो शूट कर रही है, उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
मुख्यमंत्री की मरवाही व कोटा में चुनावी जनसभा आयोजित हुई। भूपेश बघेल ने ऑनलाइन सट्टा को लेकर निशाना साधा, कहा बीजेपी की ही ये पूरी स्टोरी रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम सभा को संबोधित करने मरवाही व कोटा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम ने अपने कोटमी के आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर मांग को पूरा किया है। इस क्षेत्र को जिला के रूप में हमने दिया। इन्होंने के ध्रुव व अटल श्रीवास्तव के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। ऑनलाइन सट्टा को लेकर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर एक बार फिर से पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ही इन्हें बचाने का काम कर रही है, यह बीजेपी की पूरी स्टोरी है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र किया और कहा कि सरकार बनने के बाद हर वादा पूरा किया जाएगा। सूरजपुर में हाथियों की वजह से चुनावी माहौल फीका पड़ा हुआ है। डर की वजह से अब नेता प्रचार करने को कतरा रहे हैं। इनका कहना है कि वोट के लिए हम अपनी जान नहीं देंगे। दरअसल सूरजपुर जिले का बिहारपुर क्षेत्र, इस इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां पहुंचने के लिए सड़क अभी भी नहीं है। मतदान के लिए यहां लोगों को 5 से 15 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण पगडंडी, कच्चे रास्ते, पैदल जाकर वोट डालते हैं, लेकिन सड़क की समस्या से ज्यादा इस इलाके में हाथियों का डर है। बिहारपुर में तकरीबन लगभग 50 हाथियों का दल डेरा डाले हुए है। उनकी ऐसी दहशत है कि अंधेरा होने के बाद लोग दिन में तो दूर, रात में तो दूर दिन में भी निकलने से डरते हैं। और यही बड़ी वजह है कि इस क्षेत्र में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंच पाते। 50,000 से ज्यादा कैश नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित है। पुलिस ने आम जनता और व्यापारियों से नगद जेवर समेत कुल मिलाकर 38 करोड़ की जब्ती की है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के अनुसार 50,000 से ज्यादा कैश रखने का नियम केवल उनके लिए है जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनावी काम कर रहे हैं। इनके अलावा आम लोगों पर ये नियम लागू नहीं होता। इसके बावजूद 9 अक्टूबर को चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद 31 अक्टूबर तक राज्यभर में कैश जेवर सहित कुल मिलाकर 38 करोड़ के सामानों की जब्ती की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक भी व्यक्ति न तो चुनाव लड़ रहा है और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है। इसके बाद भी कैश और जेवर जब्त किए गए। रायपुर में भी तकरीबन आधा दर्जन लोगों से कैश और जेवर जब्त किए गए। इनमें से अभी तक एक भी व्यक्ति जब्त चीजों को नहीं छुड़वा पाया है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन हर जिले में बैरियर लगाकर गाड़ियों की जाँच कर रही है।